श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्राद्ध पक्ष, जी हाँ, और श्राद्ध पक्ष में बेहद खास होती है पितृपक्ष की एकादशी, प्रदोष तिथि, द्वादशी तिथि। जी हाँ, जो पितृ नर्क में रहते हैं उनका भी उद्धार कर देती है ये तिथियाँ। तो ये विशेष तिथि जो है पितृपक्ष की, श्राद्ध पक्ष की आ गई है। जी हाँ, 27 तारीख को दसवीं तिथि है, 28 तारीख को एकादशी है, 29 तारीख को है प्रदोष द्वादशी और 30 तारीख को है शिवरात्रि। और ये चारों पांचों तिथि श्राद्ध पक्ष की बेहद ही खास है। और गुरु जी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए इन उपायों को आप अवश्य कीजिएगा। देखिए, जीवन की बहुत सारी समस्याएं हैं, हर समस्याओं के लिए हम जितना कुछ करें उतना ही कम है। जी हाँ, तो प्रयास कीजिए, महादेव को मनाते रहिए, बाबा एक ना एक दिन तो सुनेगा ही सुनेगा। तो ये विशेष तिथि पर यह उपाय अवश्य कीजिएगा। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। स्वागत है मोदी ऑफिशियल चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। गुरुजी ने कहा था, बेटा एक कुल को तारता है और जो बेटियां होती है वो दो कुल को तारती है। जी हाँ, तो गुरुजी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताया गया ये जो उपाय है, ये उपाय आपको करना है 27 तारीख से, 27, 28 और 29, तीन दिन लगातार करना है। गुरुजी ने कहा है पितृदोष है, कार्पशर्प दोष है, अन्य कोई दोष है, अन्य कोई परेशानी है जिसके कारण आप बहुत परेशान रहते हो, आपका कोई भी कार्य सफलतापूर्वक नहीं हो पा रहा है, आप हर कार्य में असफलता प्राप्त कर रहे हो, धन की समस्या है, पैसों की तंगी है, तो आपको यह विशेष उपाय करना है। और घर की हर एक महिला को, जी हाँ, हर घर की महिला को यह उपाय करना ही करना है, अपने घर के लिए यानी अपने दोनों कुल के लिए, यानी आप ससुराल पक्ष के लिए और पियर पक्ष के लिए, दोनों कुल के लिए अब यह उपाय करेंगे और दोनों कुल को यह फ़ायदा मिलेगा। करना क्या है, आपको लेना है एक रोटी, हाँ जी, एक रोटी, केवल मात्र एक रोटी, उस पर रखना है गुड़। जी हाँ, गुड़ रखकर गाय माता को सोमप पितृ का नाम लेकर आपको तीन दिन तक लगातार खिलाना है। जी हाँ, दसवीं को भी खिलाए, एकादशी को भी खिलाए और द्वादशी को भी खिलाए, ये तीन तिथियों पर आपको लगातार एक एक रोटी गाय माता को खिलाना है। खिलाने मात्र से आपके जो पितृ नर्क भोग रहे हैं उनको मुक्ति मिलेगी, मोक्ष मिलेगा, साथ में दोनों कुल का उद्धार होगा और आपके जितने भी कार्य अटके पड़े हैं वो सब कार्य के लिए मार्ग खुल जाएंगे। तो ये विशेष उपाय आप करना मत भूलिएगा, याद से कीजिएगा, श्राद्ध पक्ष में ही किया जाता है ये उपाय। दूसरा उपाय, ये उपाय आपको करना है एकादशी पर, यानी शनिवार के दिन, तारीख आएगी 28 सितंबर। जी हाँ, ये जो श्राद्ध पक्ष की एकादशी होती है बेहद ही खास होती है। गुरुजी ने यहाँ तक बताया था, अगर हम किसी व्यक्ति का श्राद्ध करते हैं एकादशी के दिन तो उस व्यक्ति का श्राद्ध करने से उस व्यक्ति का तो उद्धार हो ही रहा है, साथ में आपके कॉलोनी में, आपके नगर में जितने व्यक्ति गए हुए हैं उन सबका व्यक्ति का उद्धार होगा, साथ में आपके दोनों कुल का उद्धार होगा। यानी जो श्राद्ध हम एक बहू बेटियाँ एक घर में कर रही ना, तो उस घर में उस व्यक्ति का तो उद्धार हो ही रहा है, साथ में नगर के लोगों का भी उद्धार होगा और साथ में अपने दोनों कुल का उद्धार होगा। गुरु जी ने कहा है कि अगर आपके जो पितर होते हैं ना कि तो उधर उधर भटक रहे हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं, तो उन सबका उद्धार हो जाता है। तो एकादशी का इतना बड़ा दिन है, तो इस एकादशी पर आपको यह विशेष उपाय अवश्य करना है, इससे आपके घर की सारी समस्याएँ दूर हो जाएगी, चाहे पैसों की तंगी हो, कड़की हो, या फिर किसी व्यक्ति का कोई भी कार्य नहीं बन पाता है, तब भी अब यह उपाय अवश्य करें। जी हाँ, करना क्या है, आपको लेना है एक पीपल का पत्ता, हाँ जी, एक पीपल का पत्ता, उस पीपल के पत्ते के ऊपर आपको लगाना है 7 बिंदी शहद की। जी हाँ, शहद की 7 बिंदी लगा दें। 7 बिंदी लगाने के बाद अब आपको उसी पत्ते के ऊपर लगाना है लाल चंदन की बिंदियाँ, लाल चंदन या पीला चंदन, उसी पत्ते के ऊपर 7 बिंदियाँ लगा दीजिए, 7 शहद की बिंदी, 7 चंदन की बिंदी, 7 चावल के दाने भी उसी पत्ते के ऊपर रखना है। जी हाँ, 7 चावल के दाने, अक्षत साबुत चावल रख दें, साथ में आपको थोड़ी सी तिल और जो भी रखना है, तिल जो रख दें, अपने पूर्वजों का, पितरों का स्मरण करें, अपना नाम और गोत्र बोलकर इस पीपल के पत्ते को बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दें, बहा दें, और बहता हुआ पानी अगर नहीं मिल पाता है तो फिर इस पीपल के पत्ते को पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर भी रखकर आ सकते हो। यह उपाय विशेष केवल श्राद्ध पक्ष की एकादशी पर ही किया जाता है। तीसरा उपाय, ये उपाय आपको करना है सोमवार के दिन। जी हाँ, और ये सोमवार आ रहा है अपना 30 सितंबर को, इस दिन है शिवरात्रि, वो भी श्राद्ध पक्ष की। मंगल विवाह नहीं हो रहा है, नौकरी नहीं लग पा रही है, बीमार रहते हो, नया घर नहीं ले पा रहे हो, किराए के मकान में रह रहे हो काफ़ी समय से, या फिर कोई जैसी
दुविधा, ऐसी परेशानी जिससे निजात नहीं पा रहे हो, जिससे आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, तो श्राद्ध पक्ष की शिवरात्रि पर सभी व्यक्ति को सच्चे दिल से, सच्ची श्रद्धा से, सच्चे विश्वास के साथ यह उपाय करना है। गुरु जी ने पहले की कथा में, गोपित्र शिव महापुराण कथा में इस उपाय को बताया था। आपको लेना है केवल एक सफ़ेद पुष्प। ध्यान रखना, सफ़ेद पुष्प आपको कोई सा भी लेना है, पर आपको जो पुष्प महादेव पर नहीं चढ़ता है, क्या नाम है उसका, पता है आपको? ना बता तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। केतकी का फूल, अगर आपको पहले से पता था तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जी हाँ, केतकी का फूल महादेव पर नहीं चढ़ता, वो भी सफ़ेद रंग का ही होता है। तो ध्यान रखना, केतकी का फूल मत ले लेना, कोई सा भी सफ़ेद कलर का पुष्प लीजिए। केवल एक सफ़ेद पुष्प आपको शिवालय जाकर शिवलिंग के ऊपर महादेव पर समर्पित करना है। शिवरात्रि के दिन, दिन भर में कभी भी जब भी समय मिल जाए शिवालय चले जाओ, एक फूल लेकर अपनी मनोकामना बोलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो और महादेव के ऊपर समर्पित कर दो। बस इतना सा करना है। श्राद्ध पक्ष की शिवरात्रि पर ही किया जाता है, और जो भी मनोकामना हो बाबा से आप कह दीजिए, यकीन मानेगा मनोकामना पूरी होगी ही होगी। चौथा उपाय, इस उपाय को आप श्राद्ध पक्ष की दसवीं पर भी कर सकते हैं, एकादशी पर भी कर सकते हैं, द्वादशी पर भी कर सकते हैं, और शिवरात्रि के दिन भी कर सकते हैं। आपको जब समय मिल जाए अब यह उपाय कीजिएगा। आपको कालक्षेप दोष है, पितृदोष है, भयंकर पितृदोष लगा हुआ है। देखिए पितृदोष के लक्षण क्या होते हैं, संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, बच्चों का मंगल विवाह नहीं हो रहा है, नौकरी नहीं लग पा रही है, कई समस्याएं रहती है। तो आपको करना क्या है, केवल मात्र एक चावल का दाना लेना है, एक चावल का दाना लें। यह उपाय आप रोग मुक्ति के लिए भी कर सकते हो। जिनकी श्वास उठती है, एलर्जी की प्रॉब्लम रहती है, सर्दी की प्रॉब्लम रहती है, सर्दी का कोठा रहता है, तो वो लोग भी यह उपाय कर सकते हैं। एक चावल का दाना लीजिए, अपने मटके के पास लेकर खड़े हो जाइए चावल का दाना लेकर, और आपको विशेष नाम लेना है, वह नाम है स्वधा। कितनी बार लेना है, 5 बार बोलना है, स्वधा 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 बोलकर उस चावल के दाने को उसी समय घर के आसपास जो भी शिवालय हो वहाँ जाकर शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। और अगर शिवलिंग पर समर्पित नहीं कर सकते हो बाहर जाकर, तो आपके घर में फ़ोटो लगाओ महादेव का, वहाँ समर्पित कर दे, या फिर आपके घर में जो छोटा सा शिवलिंग हो वहाँ भी समर्पित आप कर सकते हैं। यह विशेष उपाय श्राद्ध पक्ष में किया जाता है, करके देखिएगा। जिस पर ही कामना से करते हो वो कामना अवश्य पूरी होती ही होती है। पांचवा उपाय, अगर आपने श्राद्ध पक्ष में अभी तक किसी भी पूर्वजों का, पितरों का श्राद्ध नहीं कर पाए हैं, कोई दान पुण्य नहीं कर पाए हैं, ब्राह्मण को भोज नहीं करा पाए हैं, पिंडदान नहीं कर पाए हैं, गया जी नहीं हो क्या है, तिलांजलि नहीं कही है, पानी नहीं दे पाए हैं, और आप सोच रहे हो कि बहुत परेशान चल रहे हैं, हमारी कामना भी पूरी नहीं हो रही है, बच्चों की तरक्की भी नहीं हो रही है, संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, बच्चों का मंगल विवाह भी नहीं हो पा रहा है, तो अपने पूर्वजों के निमित्त मात्र आपको यह उपाय करना है। हाँ जी, आपको लेना है गंगा जल, और उस गंगा जल को लेकर आप जाओ तुलसी के गमले के पास। जी हाँ, तुलसी माता के पास जाकर बैठ जाओ, एक खाली कटोरी गमले के पास रखो। जी हाँ, खाली कटोरी गमले के पास रखकर अब आपको यह उपाय करना है। आपको अपने हथेली की अंजरी में, जी हाँ हथेली में, गंगा जल लेना है, काशी विश्वनाथ बोलना है, पूर्वजों का स्मरण करना है, और गंगा जल को उस कटोरी में छोड़ते जाना है। ऐसा आपको 7 बार करना है। कितनी बार, 7 बार, 5 से 7 बार करना है। हर बार काशी विश्वनाथ बोलना है, पूर्वजों का स्मरण करना, और जब उपाय पूरा हो जाए तब उस गंगा जल को आपके घर में और अन्य कोई गमले हो तो उसमें उस गंगा जल को डाल सकते हैं, या फिर घर के आसपास कहीं पीपल का वृक्ष हो, बेलपत्री का वृक्ष हो, वट वृक्ष का वृक्ष हो, तो वहाँ पर भी डालकर आ सकते हैं, किसी भी अन्य गमले में, पौधे में डाल सकते हैं, बस तुलसी माता में मत डालिएगा। तो ये विशेष उपाय आप काशी विश्वनाथ नाम लेकर करिएगा, श्राद्ध पक्ष का बहुत ही विशेष और ख़ास उपाय है। छठा उपाय, जिन लड़का या लड़कियों का मंगल विवाह नहीं हो रहा है, उम्र बढ़ गई है, 32 साल, 40 साल, 45 साल हो गई है, विवाह के रिश्ते आना बंद हो गए हैं, अब ऐसा लग रहा है कि हमारी शादी होगी कि नहीं होगी, तो परेशान ना हो, श्राद्ध पक्ष में यह उपाय आप किसी भी दिन कर लें, बहुत ही खास और विशेष उपाय है। विशेष तिथि पर करोगे तो बहुत अच्छी बात है, रविवार के दिन मत कीजिएगा, बाकी अन्य दिन किसी भी दिन कर लीजिएगा। हाँ जी, क्या करना है, आपको एक लोटे में जल लेना है। जी हाँ, एक लोटे में जल लो, काली तिल्ली के 7 दाने या 5 दाने उस जल में डाल लो। जी हाँ, काली तिल्ली डालकर उस जल को केवल आपको पीपल के वृक्ष पर समर्पित करना है, अपनी मनोकामना बोलते हुए। जी हाँ, उस जल को पीपल के वृक्ष के समर्पित करना है, रविवार के दिन मत करना, रविवार के दिन पीपल के वृक्ष के पास नहीं जाया जाता है, तो पीपल के वृक्ष में समर्पित कर दीजिए। तो इस उपाय को आप गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, सोमवार, अन्य दिन कर सकते हैं, रविवार के दिन मत कीजिएगा, करके देखिएगा, आपका मंगल विवाह
होगा ही होगा, 100% है तो होगा ही होगा अगर सच्चे दिल से करते हो तो उपाय को। तो ये विशेष उपाय पितृपक्ष के श्राद्ध पक्ष के हैं। इन 16 श्राद्ध के दिनों में महादेव की कृपा तो हम पर होती ही होती है, साथ में हमारे पूर्वजों पितरों का भी आशीर्वाद हमें मिलता है। तो ये विशेष उपाय करके देखना, सच्चे दिल से करना, आपकी जो भी समस्या हो आपकी समस्याओं के हिसाब से आप एक या एक से अधिक उपाय भी एक दिन में कर सकते हो। वीडियो पसंद आती है तो और लोगों तक जरूर शेयर कीजिए। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।